हेलो एवरीवन, स्वागत सभी के एचपी स्टडीज पे। मेरा नाम है नितिन विशिष्ट। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो देखिए, हाल ही में एचपी टीजीडी आर्ट्स के जो आरएमपी रूल्स थे वो आए थे, तो माना जा रहा है कि जल्दी ही आपका जो कोई ना कोई पोस्ट है वो आपकी एचपी टीजीडी के रिस्पेक्टिव में आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपका टीजीडी नॉन मेडिकल का भी जो नोटिफिकेशन है वो निकल सकती है, तो इसलिए आपको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एचपी स्टडीज की तरफ से हमारा टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए रिकॉर्डेड बैच आपका 3 स्टार्ट होने जा रहा है 12 अगस्त से। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सफिशियंट टाइम मिल जाएगा पेपर से पहले, क्योंकि 4-5 महीने तो आपका सिलेबस कंप्लीट होने मिलेंगे। उसके बाद आपको रिवीजन भी करनी है, तो मतलब कम से कम आपको 6-7 महीने का टाइम चाहिए होगा अगर आपने रिवीजन भी करनी है और साथ में आपने यहाँ पे पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है। क्योंकि यहाँ पे स्पेशली अगर डिजिटली नॉन मेडिकल की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन तीनों पे कमांड बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपको फिर कुछ जीएस के सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब आपको ओवरऑल तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी अगर मैं बात करता हूँ बाकी सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, तो इसलिए अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपका तैयारी करने का, क्योंकि आपको रिविजन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ किसके बारे में, टीजी नॉन मेडिकल के बारे में, किस सिलेबस में आपको कौन कौन से पोर्शन देखने को मिलते हैं। तो देखो, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे तीन आपके जो मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ, आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। और तीनों से ही आपके जो क्वेश्चन है वो इक्वल नंबर आएंगे। ठीक है, 25-25-30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे फिजिक्स की अगर बात की जाए तो मेनली आपका +1 +2 की फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आएंगे। मतलब यहाँ पे जो 90% क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको +1 +2 से देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपके कुछ आपके क्वेश्चन 10th से भी आते हैं, देन कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन से भी देखने को मिलते हैं ना, थोड़े बहुत रहते हैं वो, बट मैक्सिमम आपका जो चंक रहेगा वो आपका +1 +2 की ही फिजिक्स रहेगी। ठीक है, तो उसके साथ ही केमिस्ट्री में भी आपका सेम देखने को मिलेगा, जहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर भी +1 +2 की बुक्स आपने पहले रेफर करनी है। ठीक है, और यहाँ पर भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका करवाया गया है, जहाँ पे 10th के भी कुछ टॉपिक्स हैं, ग्रेजुएशन के भी, और मेनली +1 +2 का पूरा सिलेबस कवर करवाया गया है। देन यहाँ पे मैथ्स है, मैथ्स में भी आपका पूरा +1 +2 का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो भी आपका कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी इक्वेशन है, सभी चीजों को यहाँ पे करवाया गया है। उसके बाद आपका अगला, ये तो आपका हो गया पूरा साइंस वाला सेक्शन। इसके अलावा भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी एचपी जीके की, है ना, एचपी जीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मतलब है यहाँ पे आपको एचपी जीके भी अच्छे से आना चाहिए, है ना, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। देन आपका सीडीपी है, ठीक है, सीडीपी अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सीडीपी आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। देन आपका जीएस है, मतलब जीएस में से आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, आपका इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देन हम फिर हमें हिंदी और इंग्लिश को भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में हम यहाँ पे जो सिंपल होते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम हो गया, ठीक है, आपके पर्यायवाची शब्द हो गया, नरेशंस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, है ना, आपका पैसिव वगैरह हो गया, इन सभी को स्टडी करेंगे आपके इंग्लिश और हिंदी वाले पोर्शंस में। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस रहने वाला है, इसके अकॉर्डिंग ही पूरा तैयार किया गया है पूरा पैटर्न। आपको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो करवाया जाता है उसको कीजिए और साथ में चीजों को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, आपका सारा सिलेबस टाइम रहते कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर आप उसको रिवाइज भी कर पाओगे और हम आपको रिविजन में भी क्वेश्चन यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे बैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आपको इसमें मिलेगा क्या क्या। अब देखो, इसमें आपको पहले तो डेली करंट अफेयर के यहाँ पे नोट्स मिलेंगे और साथ में आपको एक वीकली वीडियो मिलेगी। ठीक है, वीकली वीडियो के थ्रू जो भी आपको डेली करंट अफेयर्स हैं वो सारे कवर किए जाएंगे, उनको बताया जाएगा किस किस तरह से आपने नोट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो क्लासेस रहेंगी वो रिकॉर्डेड रहेंगी, आपको 1 साल के लिए क्लासेस की जो अवेलेबिलिटी है प्रोवाइड की जाएगी, कभी भी आप 1 साल के अंदर क्लासेस को देख सकते हो। लाइव डाउट सेशन रहेगा जो हर सैटरडे को कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है जी, उसके अलावा यहाँ पे आपके आप रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में एमसी क्वेश्चन भी मिलेंगे, टॉप की वाइज आपके एमसीक्यू होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका वैसे तो इंग्लिश मीडियम में ही होगा पेपर, तो ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इसके नोट्स रहेंगे, पर बाकी जीएस के, एचपी जीके के वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आपको जब पेपर आपका आ जाएगा तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर इंक्लूड मिलेंगी। उसके बाद अगर बात की जाए कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने आपको बता दिया 12 अगस्त से आपका ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। नियरली 4 महीने के टाइम में इस बैच को कंप्लीट कर लिया जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी है। और इस बैच का जो प्राइस है वो अभी के लिए आपका 4000 रखा गया है। ठीक है, तो 4000 में आपको जो पर्टिकुलर बैच चाहिए प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे आपके जो लेक्चर है वो कम से कम यहाँ पे 300 के अराउंड आपके जो लेक्चर है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने हमसे कॉन्टेक्ट करना तो ये नंबर भी नीचे दिया गया है, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो।
उसके साथ अगर आपने ऐप के थ्रू ज्वाइन करना, क्योंकि ऐप के थ्रू आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो कहाँ पे जाओगे, प्ले स्टोर पर जाओगे, आपको देखेगा निम्बस करियर ऐप। निम्बस करियर ऐप पे देखो आप, यहाँ पे डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, बस यहाँ पे अपना नंबर डालना है, अपना पासवर्ड सेट करना है, कोई ईमेल उमेल डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप सीधा ही अगले इंटरफेस पे आ जाओगे, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप कोर्सेज सेक्शन में क्लिक करोगे, कोर्स सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा टीजीटी नॉन मेडिकल का बैच, ठीक है। जो भी लेटेस्ट बैच होगा उसको अपने क्लिक करना है, फिर आपको इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा जहाँ पे पीडीएफ होंगी, टेस्ट होंगी और यहाँ पे वीडियोज होंगी, ठीक है। तो फिर वहां पे आप उनको डेमो सेशन लगा सकते हो, हर एक जो हमारा लेक्चर रहेगा, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है ना, जो भी आपका जीएस के सब्जेक्ट है, सभी के आपको ना एक एक डेमो सेशन मिल जाएगा। तो उनको आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, पढ़ाया कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपका ज्वाइन करने का तरीका रहेगा, ठीक है। सो इन द एंड जो भी बच्चे सीरियसली ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर तैयारी काफी सीरियसली करना चाहते हो और अभी भी सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत लैग लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत कमी आ रही है किसी भी चीज में, तो आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और काफी ज्यादा यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर 4,000 में यह पर्टिकुलर बैच प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो निम्बस कर ले आप, या फिर हमारे नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है जी। तो अभी की वीडियो के इतना रखते हैं, मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।